वेलकम टू अभी पीढ़ी गाइस, मायसेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। देखो, इन लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट। तो हमने बेसिकली सीरीज का मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम टॉपिक मैं उठाऊंगा और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बनाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो चलेगी, क्वेश्चन आएगा, उसको स्टॉप करो, ट्राई करो कि आपको आता है नहीं आता, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्ले करो वीडियो को और वो चलती रहेगी। उससे एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कौन सा टॉपिक। जैसे मैं अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी आज मैं करूँगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, तो उसके रिलेटेड 8-9 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो उसके सारे आपको चेक करना है कि क्या आपको कितना आंसर आते हैं, कितने नहीं आते, उसके बेस के ऊपर आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हो कि आपके कितने सही है या कितने गलत है, ठीक है। नाउ दिस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे पहले यूपीएससी बताए आपको कितना आता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, हम यहीं पे जान लेंगे, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्टाज सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे, आपको पता है, ठीक है। जब यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें तो इस कंटेक्स के अंदर वो बोलते हैं कार्टाज सिस्टम एक न्यूज के अंदर क्या उस टाइम के अंदर था, ठीक है, जो पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। नो इन दिस कंटेक्स बताओ ये किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरस्टेट ट्रेड सिस्टम, मोनोपोली ऑफ सॉल्ट इन हुगली, नेवल ट्रेड लाइसेंस एंड स्लेव ट्रेड, ठीक है। ओके, नाउ द आंसर इज नेवल ट्रेड। तो नेवल ट्रेड के लिए ये लाइसेंस सिस्टम था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाय पोर्चुगीज। अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर बहुत बार, अगर हम रिसेंटली देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर तो यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। सो वी शुड नो। सेकंड थिंग इज कि इसके अंदर ही अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो ब्रिटिश ने नेवी सर्ट NAVICERT ये सिस्टम स्टार्ट किया था बाय ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये भी सिर्फ उसी नेवल ट्रेड लाइसेंस के रिलेटेड ही था। तो ब्रिटिशर्स ने नेवी सर्ट स्टार्ट किया था एंड पोर्चुगीज ने अपना कार्टाज सिस्टम, राइट। ओके, सो आंसर इज सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। तो आपको पता है पहले पोर्चुगीज आए तो उनके क्या रीजन थे कि जिससे वो डिक्लाइन हुए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्लाइन ऑफ डायनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नदर्न इंडिया। सेकेंड इज देयर रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ कन्वर्जन बैकफायर्ड। थर्ड ऑप्शन इज द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील डाइवर्टेड कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ पोर्चुगल टू द वेस्ट। ओके, स्टॉप करो वीडियो, उसके बाद आंसर निकालो। ओके, तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। डिक्लाइन इन डायनेस्टी, नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्चुअली इमरजेंस हो गया था। तो पोर्चुगीज जब इंडिया के अंदर थे, एक तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी टू कन्वर्जन इन टू द क्रिश्चियंस, तो उन्होंने हिंदुइज्म को भी बहुत सारा हिंदू को क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की थी उस टाइम के ऊपर, उन्होंने रिवर्ट बैक किया था, ठीक है, वो पॉलिसी थी। देन स्लेव ट्रेड वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, तो उसके बहुत सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो गए थे पोर्चुगीज के, ठीक है। देन ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड देखो, देयर रिलीजियस पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिलीजियस पॉलिसी उनकी बैकफायर्ड हुई थी। द थर्ड वन इज, सो सेकेंड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। तो अब ब्राजील की डिस्कवरी के बाद उन्होंने उधर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। सो दे वी कैन से द एनर्जी इन्वेस्टेड इन समवेयर एल्स, राइट। सो एक्टिविटीज ऑफ पोर्चुगल टू वेस्ट, तो ये इंडिया के अंदर उनकी उतनी पावर नहीं रही थी उस टाइम के ऊपर, ठीक है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज 2 and 3। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज। अब ऐसा क्वेश्चन देखो, लास्ट ईयर भी अगर हम देखें, लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर गवर्नर जनरल का नाम ही थोड़ा सा अलग दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि यूपीएससी का ऐसा ट्रेंड है कि आपको पर्सन के नेम के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट कई बार वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज के रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज कौन था। फर्स्ट इज फ्रांसिस्को, सेकंड इज अल्फोंसो, थर्ड वन इज नेनो, फोर्थ वन इज ड्यूप्लेक्स, राइट।
सबसे पहले जो अगर मैं देखूं पोर्चुगीज, अगर इनका एबीसी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ऐसा ही है, फ्रांसिस्को आया था, उसके बाद अल्फोंसो एंड नीनो, बट जो कंसोलिडेट किया था दैट वाज बाय अल्फोंसो. सो आंसर इज बी. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, गोल्डन फरमान. आपने फरमान, फारूक शायर का फरमान के बारे में सुना होगा. एक गोल्डन फरमान भी था जो अराउंड 1632 के अंदर इशू किया गया था. द गोल्डन फरमान इंप्रूव्ड द पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इट वाज प्रोवाइडेड फॉर, किसके लिए प्रोवाइड किया गया था? फर्स्ट इज फ्री ट्रेड इन बंगाल, सेकंड इज टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन सूरत, थर्ड वन इज फ्री ट्रेड इन पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा, थर्ड वन इज टू रेज आर्मी इन नॉर्दर्न इंडिया. ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. द आंसर इज फ्री ट्रेड इन पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा. बेसिकली सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने ये गोल्डन फरमान इशू किया था. सो आंसर इज फ्री ट्रेड इन पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा. सो आंसर विल बी सी. ओके, नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नाउ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी, तो यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है. फर्स्ट इज बैटल ऑफ स्वाली, सेकंड वन इज बैटल ऑफ गोवा, थर्ड वन इज बैटल ऑफ बेदारा, फोर्थ वन इज बैटल ऑफ वाडीवॉश. ओके, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ. देखो बैटल, तो आंसर पहले देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4. पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बैटल ऑफ स्वाली बेसिकली इट वाज बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्चुगीज. तो इंग्लिश एंड पोर्चुगीज के अंदर, जब इंग्लिश ने इंडिया के अंदर आए थे उस टाइम के ऊपर पोर्चुगीज का बैटल हुई थी. इट वॉज इन 1612. सेकेंड वन इज बैटल ऑफ गोवा. नाउ बैटल ऑफ गोवा पोर्चुगीज और डच के बीच में हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर पोर्चुगीज ने डच को डिफीट किया था. देन बैटल ऑफ बेदारा. बैटल ऑफ बेदारा बेसिकली इंग्लिश वर्सेस डच के अंदर हुई थी, ठीक है, इसके अंदर भी डच को डिफीट किया था बाय इंग्लिश. देन बैटल ऑफ वाडीवॉश. बैटल ऑफ वाडीवॉश बेसिकली इट वाज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच. तो ये अगर मैं बोलूँ थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम के ऊपर हुई थी. सो बैटल ऑफ वाडीवॉश वॉज थर्ड कार्नेटिक वॉर. सो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4. ओके, आपको ये भी याद रखना जो अभी मैंने बताया कि बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में हुई थी, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज के बीच में, ये सारा आपको पता होना चाहिए. देन गोवा, बैटल ऑफ गोवा पोर्चुगीज एंड डच, देन बेदारा इंग्लिश एंड डच, देन वाडीवॉश बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये सारे आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. नाउ वॉर एंड ट्रीटी, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, इसके आगे लिखा है ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, इसके आगे लिखा है ट्रीटी ऑफ पेरिस, एंड देन थर्ड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ एक्सलाचेपेक. ओके, नाउ बताओ कि इसके अंदर किस कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है. ओके, तो थोड़ा सा डिस्कस देखो. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई, कार्नेटिक वॉर बेसिकली हुई किसके अंदर थी, इंग्लिश एंड फ्रेंच. नो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अंदर जो ट्रीटी हुई थी दैट वॉज एक्सलाचेपेक. सेकेंड कार्नेटिक वॉर के अंदर जो ट्रीटी हुई थी दैट वॉज ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, एंड देन थर्ड कार्नेटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस. सो एप, अगर आपको याद रखना है APP, एप, ठीक है. सो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा, सो आंसर विल बी डी, नन ऑफ दी अबव. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ देयर अराइवल इन इंडिया. तो पहले सबसे कौन आया था इंडिया के अंदर, उसके बाद कौन आया, ठीक है, ये सारा उसका ऑर्डर बताना है हमने. पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ठीक है. तो इसको जल्दी से आप सॉल्व करो. एडवेंट, कंपनी की बात नहीं कर रहा कि सबसे पहले आया कौन, ठीक है. ओके, याद रखना अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी के केस के अंदर हमारा है सेम ऑर्डर है जो ऑलरेडी लिखा हुआ, PEDF, पेड एफ, ठीक है. ये है कंपनी एस्टेब्लिश करी इंडिया के अंदर, सबसे पहले पोर्चुगीज, देन इंग्लिश, देन डच एंड देन फ्रेंच. बट आए एडवेंट, राइट, और अराइवल इन इंडिया, उसके अंदर थोड़ा सा जो डी डच है वो ऊपर चला जाएगा और इंग्लिश नीचे आ जाएंगे. सो पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये ऑर्डर होगा. ये दोनों ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कंपनी एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज देयर अराइवल इन इंडिया. सो आंसर विल बी 1, 3, 2 एंड 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फरमान इशूड बाय फारूक शायर. पहले हमने गोल्डन फरमान की बात की, अब फारूक शायर ने जो फरमान इशू किया था उसके बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट एग्जेम्प्टेड कंपनीज फ्रॉम पेइंग एडिशनल कस्टम ड्यूटीज एंड एनुअल पेमेंट सेटल्ड अर्लियर. सेकेंड ऑप्शन इज
the company was permitted to issue dastak for transportation of goods. Then which of the following? One only, two only, both, one and two, and none of the above. Okay. Now the first statement, dekho, it exempted company from paying additional custom duties. Yes, sahi hai. But second part, annual payment settled earlier. नहीं, annual payment जो earlier settled थी वो pay करते थे, but जो additional custom duties थी उसको नहीं pay करना था. So first statement is wrong. Second statement is the company was permitted to issue दस्तक. दस्तक के बारे में UPSC के अंदर एक बार question आया हुआ कि दस्तक का मतलब क्या है, free trade basically है ना, license. So permit, ठीक है. So second one is correct. So answer will be two only. Okay. Next question देखते हैं. Consider the following statement. English company was private enterprise while French was state owned. Second option is the French company subordinated their territorial ambition to commercial interests. कौन सा सही है? ठीक है. Okay. अब discuss करता हूँ थोड़ा सा. English company was private company इसलिए उसकी autonomy ज़्यादा थी as compared to French company. तो French company was state owned. आपको पता ही आप अगर India के अंदर देखो जितने PSU state owned है उसके है ही नहीं कुछ उसके अंदर. Efficiency of private companies more. तो ये this was one of the reason के French company क्यों decline कर गई. Second is French company subordinated their territorial ambition. Okay, पहले तो first statement सही है. Second is French company subordinated their territorial ambition to commercial interest. This statement is wrong. Now the difference between the French company's ambition and English company's ambition is very important. देखो English company का जो primary ambition था that was commercial gain. उसके बाद था टेरिटोरियल गेन. बट फ्रेंच का उल्टा था. फ्रेंच का जो प्राइमरी एम था टेरिटोरियल गेन एंड देन कमर्शियल. इट मींस के जो फ्रेंच कंपनी ने सेकंड नंबर के ऊपर रखा था कमर्शियल को. अब क्या होगा, फ्रेंच कंपनी के पास फंड कम आएगा, ठीक है. जब पैसा कम है तो उनकी पावर भी कम हो जाएगी, ठीक है. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन के फ्रेंच विद द टाइम और वी कैन से दे बिकेम इन्फीरियर टू द इंग्लिश. So second statement is wrong. So answer will be one only. ठीक है? Okay. So this is all about on advent of European in India. आपको कुछ समझ आया होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज, ठीक है. ऐसे हम different different जैसे next time revolt of 1857 में करवाऊंगा, तो I hope कि आप पहले उसको पढ़ो, then इन question को try करो. इन क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव. आपने क्या करना है उसको ऐड ऑन कर लेना. अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ी हुई या कहीं पे नहीं देखी हुई वो स्टेटमेंट, उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करो. ऐसे हम टॉपिक टू टॉपिक पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है. सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यू कैन ऑल्सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.